हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रज़ा टेक्निकल हेल्प में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ तनवीर रज़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। HTML सीखने की सीरीज़ के थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कि HR एलिमेंट क्या होता है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। सबसे पहले हमको जानना होगा कि HR एलिमेंट होता क्या है। HTML डॉक्यूमेंट में किसी वेब पेज पर 36 लाइन ड्रा करने के लिए HR एलिमेंट का यूज करते हैं। HR टैग द्वारा खींची गई 36 लाइन को हम रूल लाइन भी कहते हैं, यानी कि किसी वेब पेज में रूल लाइन का यूज एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से और टेक्स्ट को आइटम की सूची से अलग करने के लिए किया जाता है। बाय डिफॉल्ट HR टैग एक शेडेड इनग्रेड लाइन बनाता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग। टाइटल टैग में हम क्या टाइटल दे रहे हैं, चलिए हॉरिजेंटल लाइन नाम इसका दे दे रहे हैं। फिर टाइटल टैग को क्लोज कर दे रहे हैं। फिर हेड टैग को भी क्लोज कर दे रहे हैं। फिर हमारा आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं। फिर HTML टैग को भी क्लोज कर देते हैं। HTML टैग क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग में आएंगे, फिर हम हॉरिजेंटल लाइन का यूज करेंगे HR का। तो सबसे पहले हमको कोई एक लाइन देना है, जैसे दे रहे हैं फर्स्ट लाइन, फिर HR टैग। HR टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता है क्योंकि एक एम्प्टी टैग है। फिर हम लिख दे हैं सेकेंड लाइन, फिर HR टैग, फिर थर्ड लाइन दे देते हैं, फिर HR टैग। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल S से सेव कर देते हैं। फिर किसी एक वेब ब्राउजर पर इसको रन कर देते हैं। रन हो रहा है। ये टाइटल आ गया मेरा हॉरिजेंटल लाइन। ये देखिए फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन, ये तो मेरा एक सिंपल हो गया हॉरिजेंटल। अब हम चाहते हैं कि इस लाइन को कलर में करना, तो सबसे पहले कलर में, अब इस लाइन को हम चाहते हैं कलर में करना, तो क्या करना होगा, हमको नोटपैड पे आएंगे और यहाँ पे कुछ बस थोड़ा सा सिर्फ चेंज होगा। यहाँ पे हम सिर्फ डाल देंगे यहाँ पे कलर, कलर का नेम, जैसे कोई दे दिया, मान लीजिए हम रेड दे दे रहे हैं, और फिर इसमें दे दे रहे हैं हम कलर ग्रीन जैसे दे दे रहे हैं, और थर्ड वाले में हम दे दे रहे हैं कलर का, कलर हम दे दे रहे हैं जैसे मान लीजिए ब्लू दे दे रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल से सेव करेंगे। ब्राउजर पे जाने के बाद इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ये देखिए लाइन का कलर चेंज हो गया है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन दिया है लाइन को मोटा या पतला करें, तो हमको क्या करना होगा, लाइन के
लाइन को साइज के चेंज करने के लिए हमको कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, यहां पर आएंगे और यहां पे लिख देंगे सिर्फ साइज इज इक्वल टू, आप जितने साइज का हम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें होता है साइज का पिक्सल में होता है, तो जैसे मान ले दे देते हैं हम 10 पिक्सल, फर्स्ट लाइन को हम दे देते हैं 10 पिक्सल और सेकंड लाइन को हम दे देते हैं जैसे 8 पिक्सल और हम थर्ड लाइन में दे देते हैं 5 पिक्सल। फिर हम इसको देखते हैं क्या परिवर्तन होता है इसमें, इसको रिफ्रेश कर दें, ये देखिए 10 पिक्सल, 8 पिक्सल और 5 पिक्सल। अब हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, लाइन को यहाँ से यहाँ छोटा बड़ा करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए हमको क्या करना होगा, नोटपैड पे आएंगे, बस थोड़ा सा चेंज यहाँ पे विड्थ इसका देख देंगे, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा विड्थ, विड्थ जो होता है परसेंटेज में होता है, तो मान लीजिए जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट लाइन का 50% और सेकंड लाइन का हम दे देते हैं 80% और हम दे देते हैं थर्ड लाइन को 60%। अब इसको कंट्रोल से सेव करेंगे, सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर पर जाने के बाद इसको रिफ्रेश कर देंगे, ये देखिए हो गया चेंज, बस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, IMG एट्रीब्यूट क्या होता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जो समझ में ना आया वो कमेंट में पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो